everyone, welcome to your channel. My name is Sonia and we are doing question number 9 of exercise 11.2 of surface area and volume. So chaliye dekhte hain. Question number 9 is a right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. ye diagram hume given hai. So ek right circular cylinder hai, just enclose kar raha hai kisko, sphere ko. Ye sphere hume given hai jiska radius, yahan pe radius draw kar lete, radius kya hai, r hai. Find the surface area of the sphere, second curved surface area of cylinder and third ratio of the areas obtained in 1 and 2. So question ko pehle dhyan se padhte hain. A right circular cylinder just encloses a sphere. So yahan pe just encloses ka kya matlab hai guys? Just enclose ka matlab hai ki agar main ek cylindrical shape ka kuch bhi object le lu, uske andar maine ek sphere ko put kiya, to just enclose means कि वो बिल्कुल इस तरह से फिट हो गया है कि उसका, अगर मैं उसको बंद करूं, ऊपर से सिलेंडर को बंद करूं, तो वो जस्ट उसको टच करेगा, वो सफियर को टच करेगा. जैसे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये एक सिलेंड्रिकल शेप इस तरह से ले लिया और इसके अंदर एक बॉल को मैंने फिट कर दिया जो कि स्फेरिकल शेप है. तो यू कैन सी के ये जो ऊपर, अगर मैं इसके ऊपर लिड लगाऊं, तो बिल्कुल ये जो सफियर का अपर वाला पोर्शन है इसको टच करेगा. सिमिलरली ये जो नीचे, अगर मैं इसको बंद करूं, नीचे से भी एक लिड लगाऊं, तो ये भी इसको टच करेगा. तो जस्ट इनक्लोज का पहले तो ये मतलब है. ओके, अब हमें पता करना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर. तो पहले तो बहुत सिंपल है, सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होता है. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इट इज अ 4πr², तो ये 4πr² होगा. आर यहाँ पे गिवन है कि जो R है वो किसका रेडियस है, स्फीयर के. तो सिंपली सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr². तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. नाउ सेकंड पार्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. अब हमें पता करना है यहाँ पे सेकंड में कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट. तो गाइस पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, इट्स अ 2πRh, राइट. अब यहाँ पे लिख लेते हैं 2πr इज द रेडियस एंड h इज व्हाट, इट्स अ हाइट. हाइट किसकी, सिलेंडर की हाइट. ये सिलेंडर है, ठीक है. ये देखिए, ये इसका ऊपर टॉप वाला और ये बॉटम वाला, हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है कि बिल्कुल इसको टच कर रहा है, ठीक है. तो हाइट क्या होगी सिलेंडर की, दिस इज द हाइट. अगर मैं अपर पोर्शन को, ये अपर वाला जो बेस है इसको बॉटम के साथ इस तरह से टच कर दूं, तो ये मिला दूं, तो ये क्या बन गया, दिस इज द हाइट, हाइट ऑफ द सिलेंडर. अब ध्यान से देखिए, अगर हमें इन्होंने बताया जस्ट एनक्लोज है, तो ये इसको टच कर रहा है और ये हमें गिवन है सफियर का क्या है, दिस इज द रेडियस, आर है सफियर का. तो इसका ये एच भी क्या हो गया, ये वाला यहाँ से ले लीजिए, ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो आर, ये सेंटर पॉइंट है, ये आर हो गया. अगर ये भी क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो आर, मीन्स हाइट किसके इक्वल है, सिलेंडर की हाइट इज आर प्लस आर, दैट इज 2r. ये चीज यहाँ पे समझने वाली है. यहाँ पे 2r हो गया, तो 2π रेडियस इज r, हाइट इज 2r, तो ये क्या बन गया, 4πr² मीन्स सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों यहाँ पे क्या बन रहे हैं, इट्स अ 4πr², राइट. तो अच्छे से इसको समझिए, ये जो हाइट है सिलेंडर की वो कैसे बन रही है, वो रेडियस बन रही है. क्यों, क्योंकि टॉप एंड बॉटम बिल्कुल स्फीयर का टच हो रहा है सिलेंडर के साथ. तो अगर एक स्फीयर का रेडियस आर है, तो सेंटर पॉइंट में से सिलेंडर का ये वाला भी पोर्शन क्या हो जाएगा, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, टू मीन्स इट इज अ टोटल 2r, हाइट इज 2r, ओके. तो सेकेंड पार्ट इज डन. एंड थर्ड इज रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेंड इन 1 एंड 2. तो दोनों की रेशियो वही हम यहाँ पे कर सकते हैं. रेशियो क्या होगी, वी कैन राइट हियर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो दैट इज 4πr² अपॉन 4πr², तो ये कितना हो गया 1, तो मीन्स 1:1 की यहाँ पे रेशियो बन रही. Right, so we have completed exercise 11.2. Next time, karenge examples and further exercises. Tab tak ke liye keep watching. Thank you and bye.